फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड पॉलीफेब गुजरात लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में, और इसका फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 39.50 का, और आज इस शेयर के अंदर 4.9% की तेजी आई थी। अगर इस शेयर के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो है 30% की, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो है 20% की। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है कंपनी की। अगर डेट इक्विटी रेशियो देखी जाए तो वो है 1.85 की। ये डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छे कर्जे हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो वो है 1.70 की, जो कि बहुत ही कम है। और जो पीईजी रेशियो है कंपनी की वो है 0.00। तो जो पीईजी रेशियो है और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, ये बहुत अच्छी है। साथ में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी बहुत जबरदस्त है कंपनी का। अगर कंपनी की पीई रेशियो की बात करें तो जो पीई रेशियो है वो है 8.39 का, जबकि इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो है वो है 15 का। तो ये भी बहुत जबरदस्त है, पीई रेशियो जो है वो इंडस्ट्री की पीई रेशियो से बहुत कम है। अगर डिविडेंड्स की बात करें तो कंपनी काफी अच्छे डिविडेंड्स अपने इन्वेस्टर्स को अनाउंस करती है। और अगर शेयर का टेक्निकल देखें तो वो शेयर जो है वो अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो 17 रुपये का था, और 52 वीक हाई जो था वो 79 रुपये का था, अप्रोक्स 80 रुपये का। अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो 83 करोड़ के साथ ये जो कंपनी है, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, और ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। फ्रेंड्स, टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इस साल, और ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा 2022 और 2023 के अंदर। तो टेक्सटाइल सेक्टर की कोई भी अच्छी कंपनी अगर आपको मिलती है तो फ्रेंड्स, उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है। अगर इस शेयर के प्राइस की बात करें तो जो इसका प्राइस का जो वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यूएशन है। काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे आपको ये जो शेयर है ये मिल रहा है। इसका जो 52 वीक हाई था वो अप्रोक्स 80 रुपये का था, और ये शेयर आपको अभी 40 रुपये के आसपास मिल रहा है, मतलब 52 वीक हाई से आधा ये आपको शेयर मिल रहा है मार्केट में। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको शेयर मिल रहा है, और ये एक पैनी स्टॉक है फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त पैनी स्टॉक है ये हमारा। और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो सेल्स में 215% की ग्रोथ हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 38% की ग्रोथ हुई है, और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 1640% की जबरदस्त ग्रोथ है फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो FFIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर शेयर लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और उसके अंदर भी FFIs ने पैसे लगाए हुए हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना अच्छा रिटर्न देने वाली है कंपनी। प्रमोटर्स के पास केवल 43% की हिस्सेदारी है, और जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 50% की हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें रिटर्न की, तो 3 महीने के अंदर कंपनी ने क्या करा है, नेगेटिव रिटर्न दिया है 47% का। जो मैं आपको बता रहा था कि 52 वीक हाई जो था वो 80 रुपये का था, और अभी ये जो शेयर है आपको 40 रुपये पे मिल रहा है, जस्ट आधा हो चुका है ये शेयर। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि 3 महीने के अंदर इस शेयर का जो प्राइस है वो आधा हो चुका है। अगर 6 महीने के आप रिटर्न देखेंगे शेयर की, तो वो 138% की रिटर्न है। 1 साल की अगर रिटर्न आप देखेंगे तो वो 315% की है। 2 साल की रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 500% की रिटर्न है, और अगर 3 साल की रिटर्न आप देखें तो 150% की। तो फ्रेंड्स, रिटर्न बहुत जबरदस्त है कंपनी के, और जो कंपनी का डाउनफॉल जो हुआ है 50% का, यहाँ पर शेयर स्टेबलाइज हो चुका है, करेक्शन जो होनी थी वो हो चुकी है, और यहाँ से ये शेयर बहुत ऊपर भागने वाला है, रॉकेट की तरह भागने वाला है फ्रेंड्स ये शेयर, क्योंकि ये एक प्योर पैनी स्टॉक है, बड़ा ही जबरदस्त पैनी स्टॉक है। अगर हम बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो जो यूनाइटेड पॉलीफेब गुजरात लिमिटेड है, इज वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फ्रेंड्स, लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रिवेलिंग इन द मार्केट सिंस डिकेड्स, और एक डिकेड से ये जो कंपनी है चल रही है। वी डील इन ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम स्पिनिंग टू फैब्रिक, स्पिनिंग भी करते हैं, फैब्रिक्स भी बनाते हैं ये।
वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्प्रेड अक्रॉस आवर सस्पेशियस प्रमाइस दैट कंसिस्ट वेरियस डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट जॉब वर्क्स। तो जो यूनाइटेड पॉलीफर्ब गुजरात लिमिटेड है उसका जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज है वो है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं खुद की और ट्रेडिंग करते हैं। वोवेन फैब्रिक्स एंड यार्न ये बनाती है कंपनी। द कंपनी आल्सो डज द जॉब वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ये जॉब वर्क का काम भी करते हैं। जो अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए ये जॉब वर्क का भी काम करते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत ही जबरदस्त है और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की तो सेल्स के अंदर कंपनी के काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है, और साथ में अगर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कंपनी की कम हुई है। मतलब कंपनी ने अपने लोन्स को भी घटाया है, कंपनी ने अपने कर्जों को भी कम किया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1640% का इंक्रीमेंट हुआ है नेट प्रॉफिट में। और जो हमारा प्रॉफिट लॉस है उसकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, बड़ी ही जबरदस्त पोजीशन है। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये बैलेंस शीट आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बोरोइंग्स जो है कंपनी की ये पिछले साल मार्च 20 में थी और ये मार्च 21 में है, लेकिन मार्च 22 के अंदर इन्होंने क्या करा है, अपनी बोरिंग्स को कम कर दिया है। फिक्स एसेट पे आप देख सकते हैं वो डेप्रिसिएशन वगैरह लगी हुई है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग है और जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव कैश फ्लो है। फ्रेंड्स जो कंपनी जो है वो अपने बिजनेस ऑपरेशन से अभी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कॉटन यार्न बनाती है कंपनी, साथ में ग्रे फैब्रिक बनाती है, डेनिम डेनिम फैब्रिक बनाती है। तो ये जो कंपनी है ये बहुत जबरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाली है, इसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स किसी भी परचेज को खरीदने से पहले किसी दूसरे की बातों पर रिले ना करें, आप अपना खुद का एक बारी ऑब्जर्वेशन शेयर का कंपनी का बिजनेस का ऑब्जर्वेशन जरूर करें, अपना खुद का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें, या फिर अगर आपका कोई स्टॉक एडवाइजर है उसे स्टॉक एडवाइजर से आप एडवाइज कर सकते हैं किसी भी शेयर को खरीदने से पहले। ऑल दो जो हमारी एडवाइज है शेयर के लिए बाय की है, ये बहुत ही जबरदस्त पैनी शेयर है, और एक बार अगर इसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई तो फिर वो रुकने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।